बस मी किश नहीं चाहिए, मैं बस इक चाहिए जिंया लेता मेरा घर तुम वापस करो, बाकी किश नहीं चाहिए। ये थोड़ी हो जाए तुस दिखते रहे पुलिस दिखते रहे के रहे आते पुलिस है उन्हें किश किया तुम उसी मारो तुम उन्हें मारना हा सही दे नहीं उसे लेना हा ओम शांति जरूर लिखें। दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर के कटरा से सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दे चले कि पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी चोर की जो है वो मौत हो गई है, और अगर इस मौत की वजह अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी जो है वो हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार किस तरह से एक आरोपी चोर की जो है वो पुलिस की कस्टडी में जो है वो मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक जिला रियासी की कटरा पुलिस ने एक सोन सिंह सनाफ लीड श्री लाल सिंह नामी व्यक्ति को जो है वो कल चोरी के आरोप को लेकर जो है वो गिरफ्तार किया था, जो कि पुराना द्रूट से जो है वो ताल्लुक रखता था, और ये आरोप इस पर लगा था कि इसने जो है वो पैसे चोरी किए हैं, और जिसके बाद कटरा पुलिस ने जो है वो इसे गिरफ्तार किया था। लेकिन इस समय की दुखद भरी खबर सामने आ रही है कि कल शाम को इसे कटरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसको जो है वो सुबह जब इसने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है तो बाथरूम जब पुलिस पोस्ट जो बाणगंगा है उसके द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। कटरा पुलिस की जो पुलिस पोस्ट बाणगंगा है उसके द्वारा इस सोन सिंह सनफ लीड श्री लाल सिंह को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे इसने वॉशरूम जाने के लिए कहा और पुलिस पोस्ट जो बाणगंगा है उसके अंदर शायद बाथरूम नहीं था, और जिसके चलते इसे श्राइन बोर्ड के एक बाथरूम में ले जाया गया, और वहां पर जो है वो इस आरोपी चोर ने जो है वो खुद को जो इसकी बेल्ट इसने अपनी पैंट को लगाई थी उसके साथ फंदा लगाकर जो है वो खुद की जीवन लीला इसने जो है वो समाप्त की है। काफ़ी हैरानगी है कि पुलिस की कस्टडी में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो काफ़ी हैरानगी रहती है कि आखिरकार किस तरह की इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है पुलिस द्वारा। यहाँ पर पुलिस क्या पुलिस पोस्ट जो बाणगंगा है उसके अंदर बाथरूम नहीं था कि जिसके चलते पुलिस को ये मजबूरी आ पड़ी कि उसे जो है वो पुलिस जो श्राइन बोर्ड का बाथरूम था वहाँ पर जो है वो ले जाना पड़ा, और वहाँ पर इस आरोपी चोर सोन सिंह ने जो है वो खुद को सुसाइड किया। काफ़ी ज़्यादा दुखद है। हालांकि पुलिस की बात करें तो कटरा पुलिस ने इसके खिलाफ FIR नंबर 246 अंडर सेक्शन 457-380 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया था, और जिसके बाद कल इस टाइम के करीब जो है वो इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आज सुबह सुबह ये दुखद भरी खबर उस वक्त सामने आई जब पुलिस पोस्ट बाणगंगा के जो पुलिस कर्मी हैं उनके द्वारा जाने के सबसे पहले तो सोन सिंह द्वारा जिस तरह से बाथरूम जाने के लिए कहा गया तो शायद पुलिस पोस्ट जो बाणगंगा है वहां पर बाथरूम नहीं था, और ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा जो है वो इसे श्राइन बोर्ड के एक बाथरूम में ले जाया गया। काफ़ी हैरानगी है क्या पुलिस पोस्टों में जो है वो जो कटरा की जो पुलिस पोस्ट बाणगंगा है क्या वहाँ पर बाथरूम नहीं था कि जिसके चलते पुलिस को इतनी मजबूरी आ पड़ी कि इन्होंने जो है वो एक श्राइन बोर्ड के बाथरूम में इसे वहाँ पर लिया, और वहाँ पर जो है वो जब बाथरूम में इसे भेजा गया तो वहाँ पर इस युवक ने जो है वो अपने आप को इसकी जो बेल्ट थी बेल्ट खोलकर इसने खुद को जो है वहाँ पर सुसाइड किया। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई कि वे बाथरूम से बाहर नहीं आया तो ऐसे में जब दरवाजा खटकाया गया तो दरवाजा भी नहीं खोला, तो ऐसे में अंदर देखा दरवाजा जब तोड़ा गया तो अंदर जो है वो इसने खुद को जो है वो फंदा लगाया था। काफी बड़ी लापरवाही जो है वो जिला रियासी की कटरा पुलिस की तरफ से देखने को मिली है, और कई बार अगर कटरा की बात करें तो वहां पर आपराधिक मामले भी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो कई बार हमने खबरें जो है आप लोगों तक पहुंचाई है, यहां पर कभी होटलों के अंदर से जो है वो नौजवान युवतियों के शव मिलते हैं, तो कभी लड़कों के वहां पर जो है वो होटलों के अंदर कटरा के कुछ होटल्स के अंदर जो है वो लड़कों के शव जो है वहां पर पाए जाते हैं। कई बार हमने खबरें आप लोगों तक पहुंचाई हैं, लेकिन इस वक्त जो काफी ज्यादा दुखद और हैरान करने वाली जो खबर सामने आ रही है वो कटरा के बाणगंगा से सामने आ रही है। यहां पर कटरा पुलिस की जो अंडर जो वो आती है जो पुलिस पोस्ट बाणगंगा है उसके द्वारा जो है वो एक आरोपी
को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम सोन सिंह सन ऑफ लेट श्री लाल सिंह बताया जा रहा है। और ये आरोप पुराना दरूर से ताल्लुक रखता था, और वहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो है वो पुलिस द्वारा जब इसे गिरफ्तार किया गया चोरी के मामले में, तो ऐसे में वहां पर रात के वक्त इसकी कल गिरफ्तारी हुई, लेकिन सुबह जब बाथरूम जाने की बारी आई तो बाथरूम शायद पुलिस पोस्ट बाणगंगा वालों के पास नहीं था, और ऐसे में उसे श्राइन बोर्ड के एक बाथरूम में ले जाया गया और वहां पर इसने खुद को सुसाइड किया है, और जिसके नतीजे में ये जो है वो डेड हो गया। हालांकि परिवार द्वारा पुलिस पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और आरोप जो है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तो पुलिस को चाहिए था कि उसके हाथ में अगर कुछ भी है या फिर उसने कोई भी अगर बेल्ट वगैरह लगाई है तो पुलिस को चाहिए था कि वो उसी वक्त उससे निकलवा लेनी चाहिए थी, ताकि कोई भी इस तरह की घटना जो है वो नहीं घटती। लेकिन पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और SSP रियासी से भी अपील रहेगी कि मामले की आप निष्पक्ष तहकीकात करें, और DIG जो उधमपुर रियासी रेंज के हैं उनसे भी अपील है कि मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और आखिरकार कौन वो लापरवाही करने वाले ऑफिसर हैं जिसके नतीजे में इस युवक ने जो है वो पुलिस की कटरा पुलिस की कस्टडी में जो है वो इसने खुद की जीवन लीला जो है वो समाप्त किया। इसकी पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार करेंगे और बाद में आपके पास बाथरूम नहीं होगा और उसे आप कहीं और ले जाएंगे, और उसके अपनी लापरवाही इतनी बड़ी इनकी तरफ से देखने को मिली है कि एक बेल्ट तक जो है वो उससे नहीं निकलवाई गई, और उसे जो है वो इसी तरह से गिरफ्तार करके उन्होंने अंदर रखा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब उसने बाथरूम जाने के लिए कहा तो इनके पास बाथरूम भी नहीं था बाणगंगा पुलिस पोस्ट वालों के पास, उसे जो है वो एक श्राइन बोर्ड के बाथरूम में ले जाया गया, और वहां पर जो है वो इस युवक ने जो है वो खुद को सुसाइड किया, और जिसके चलते परिवार द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है। लेकिन पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं जिसमें DIG हैं या फिर ADGP जम्मू मुकेश जी हैं, इनसे भी हमारी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इस हवाले से कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए, और लापरवाही करने वाले ऑफिसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जिन भी पुलिस अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही है और जिसकी वजह से सोन सिंह जो हुआ आज इस दुनिया में नहीं रहा है। फिलहाल आप जनता को इसमें क्या लगता है, आप अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। क्या लगता है आपको, पुलिस की तरफ से लापरवाही की गई है? जिस तरह से ये बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि पुलिस पोस्ट बाणगंगा में जो है वो इसे वहां पर रखा गया था वहां पर, और लेकिन ऐसे में सुबह जब बाथरूम जाने की बारी आती है तो वहां पर शायद उनके पास बाथरूम नहीं था, और जिसके चलते इसे जो है वो श्राइन बोर्ड के एक बाथरूम में ले जाया गया, और वहां पर इसकी जो है वो वहां पर इसने खुद को सुसाइड किया है, बेल्ट से इसने खुद को फंदा लगाया है, और जिसके चलते इसकी जो है वो जान चली गई है। काफी ये कहें कि शर्म की बात है कटरा पुलिस के लिए कि जिन्होंने इस तरह का ये जो भी लापरवाही किया है और जिसकी वजह से इस सोन सिंह की जान चलेगी। हालांकि पैसे चोरी करने का आरोप इस पर लगा था और पुलिस ने इस हवाले से FIR भी दर्ज की थी। ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो काफ़ी हैरानगी रहती है कि आखिरकार पुलिस की लापरवाही जो है वो कटरा में इस तरह से लगातार क्यों जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपराधिक मामले भी कटरा में लगातार बढ़ रहे हैं, आए दिन एक से एक अनोखा मामला जो है वो कटरा से सामने आता है, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी इस तरह के आपराधिक मामले जो है वहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल आप जनता को इस पर क्या, यहां पर कटरा एक बहुत ही बड़ी पवित्र जगह जो है वो है और वहां से देश भर के लोग वहां पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये पुलिस की लापरवाही की वजह से जो बातें सामने आती हैं इससे जो है वो काफी ज्यादा दुखद भी रहता है और हैरानगी भी रहती है कि आखिरकार कटरा पुलिस जो है वो क्या कर रही है और किस क्या कर रही है और किस तरह की ड्यूटी वहां पर निभा रही है, किस तरह का काम वहां पर कर रही है। जिस तरह से लगातार कभी जो है वो होटलों के अंदर से वहां पर लड़कियों की वहां पर डेड लड़कियों के शव जो है वो वहां से बरामद होते हैं और कभी लड़कों के शव वहां पर देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों भी उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के दूरदराज गांव बाड़ी की जो है वो एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में एक होटल में जो है वो जान चले जाती है और उसके बाद एक और लड़की की जो है वो होटल में उसकी वहां पर डेड बॉडी जो है वो पाई जाती है। लेकिन अब जो इस बार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि अब पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी चोर की जो है वो मौत हुई है और इसने खुद को सुसाइड किया है बेल्ट के साथ फंदा लगाकर। पुलिस से एक बार फिर से हमारी अपील है और आप जनता भी जो है वो इस पर अपील साझा करें कि आखिर इस लापरवाही को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है। हालांकि काफी बड़ी लापरवाही, कई सारे लोग यहाँ पर इस समय यहाँ पर अपनी राय जो है वो साझा कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही जो है वो कटरा पुलिस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें आरोपी जो सोन सिंह है इसे जो है वो कल ही कटरा पुलिस की जो पुलिस पोस्ट बाणगंगा है उनकी टीम द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये कहें कि काफी शर्म की बात है कि
पुलिस की लापरवाही की वजह से जो है वो इस युवक ने खुद को जो है वो सुसाइड किया है, ना जाने क्या वजह रही है। इसके लिए हम डीआईजी जो उधमपुर रियासी रेंज है, एडीजीपी जम्मू जोन के मुकेश जी हैं, इनसे हम अपील करेंगे कि जल्द से जल्द मामले के हवाले से एक निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और एक कमेटी जो है वो इस हवाले से तश्कील दी जाए, और अगर कोई लापरवाही करने वाला कोई भी पुलिस का ऑफिसर इसमें पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल आप जनता अपने इस पर राय जो है वो साझा करें कि आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, देखते रहें।